नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे टेम्परेचर चेक करने का तरीका, इंफ्रारेड मशीन की कुछ टेक्निकल बातें और उनकी सेटिंग के बारे में आज हम आपको सिखाएंगे। वर्तमान समय में कोविड-19 के बाद सिक्योरिटी गार्ड के कार्य क्षेत्र में भी बदलाव आए हैं। आज हमें अपनी रेगुलर ड्यूटी के अलावा टेम्परेचर स्क्रीनिंग या बुखार चेक करने का काम भी करना पड़ रहा है। आज के समय में जहां कहीं भी आप गार्ड की ड्यूटी करते हो, चाहे वो किसी ऑफिस में हो, किसी बैंक में हो, होटल में हो, शॉपिंग मॉल, अपार्टमेंट या किसी कंपनी के गेट पे हो, ऐसे हर जगह आज हमें टेम्परेचर स्क्रीनिंग या बुखार नापने का काम करना पड़ रहा है। ऐसे में मशीन की सही जानकारी ना होना या गलत बटन प्रेस करने की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो हमारे काम को भी इफ़ेक्ट करता है। टेम्परेचर स्क्रीन करने के समय हमें सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज करता है वो है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, जिसके वजह से हमसे गलतियां हो जाती है। वैसे तो 1 डिग्री सेल्सियस 33.8 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को कैसे नापा जाता है। सो बेसिकली हम जो भी चेक करते हैं उसमें फ़ारेनहाइट के ऊपर ही चेक करना चाहिए। कोई कोई कंपनियाँ डिग्री सेल्सियस में भी करती हैं, मगर ज़्यादातर कंपनियां फ़ारेनहाइट में ही चेक करती है, क्योंकि हम आम बोलचाल की भाषा में फ़ारेनहाइट को ही यूज करते हैं। जैसे किसी को हम बोलते हैं 100 डिग्री का बुखार है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऐसे ही फ़ारेनहाइट को ही हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। आप जहाँ पर ड्यूटी करते हैं, आप अपने सुपरवाइज़र या ऑफिसर से ये पूछ लीजिए कि आपके कंपनी में बुखार आने का मानक क्या है। वैसे इन जनरल 99.9 से जो भी ज़्यादा टेम्परेचर आता है उसको बुखार के श्रेणी में रखा जाता है और ऐसे लोगों का एंट्री रोक देना पड़ता है। आमतौर पर गार्ड द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली थर्मोमीटर को हम इंफ्रारेड गन या IR थर्मोमीटर भी कहते हैं। इनका बनावट अलग अलग तरीका का हो सकता है, मगर इनकी सेटिंग, इनका जो रिज़ल्ट होता है, जो आउटपुट आता है या इनपुट जो होता है जिससे चेक होती है, ये लगभग सेम होती है। टेम्परेचर गन इस्तेमाल करने से पहले हमें कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं इंफ्रारेड सेंसर, स्विच, LCD डिस्प्ले, सेटिंग बटन और बैटरी चैम्बर। टेम्परेचर चेक करने का तरीका अलग अलग कंपनियों में अलग अलग तरीके से करते हैं। कहीं पर हाथों में किया जाता है, कहीं पर सर पे किया जाता है। आप जहां काम करते हैं वहां उनके हिसाब से आप चेक करना है। ज़्यादा अंतर नहीं होता है हाथ पे और सर पे, मगर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप टेम्परेचर गन का इस्तेमाल करते हैं उसकी दूरी 3 से 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो, मतलब हमारी 4 उंगलियों के बराबर होनी चाहिए। जब आप अपनी शिफ्ट की शुरुआत करते हैं या ड्यूटी स्टार्ट करते हैं तो 4 चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए। पहला है कि डिवाइस जो है काम कर रहा है या नहीं। आप स्विच दबा के उसमें देख सकते हैं डिस्प्ले में रीडिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है आपका डिवाइस किसी तरह का डैमेज तो नहीं है। हो सकता है आपके रिलीवर ने किसी तरह से हाथ से गिर गया है, टूट गया है, सो वो डैमेज है या नहीं है वो भी आपको चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद आप उस रीडिंग में देखिएगा बॉडी या सरफेस, ऐसा कुछ साइन आ रहा है क्या। एक्चुअली सरफेस में नहीं रहना चाहिए, बॉडी में रहना चाहिए, तो आप इंश्योर कीजिएगा कि उसमें बॉडी लिखा हुआ आ रहा है, डिस्प्ले में दिखेगा। उसके अलावा जो चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है उसका जो टेम्परेचर है F में दिख रहा है या C में दिख रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि हम फ़ारेनहाइट में ही देखते हैं जिसका सिंबल F है,
तो आप जब भी ड्यूटी स्टार्ट करते हैं तो देख लीजिएगा कि आपका जो टेम्परेचर दिख रहा है वो एफ में दिख रहा है या सी में दिख रहा है। अगर सी में दिख रहा है और आपको एफ में करना है तो ड्यूटी शुरुआत करने से पहले ही आप उसमें जो भी चेंजेस करना है कर लीजिए। सेटिंग में बदलाव करने का तरीका। आयआर थर्मोमीटर या आयआर गन अलग अलग तरह के हो सकते हैं, मगर उनका सेटिंग का बटन या सेटिंग करने का तरीका लगभग एक ही जैसा होता है। जब आप सेटिंग बटन को अपडेट करेंगे या कुछ चेंजेस करेंगे तो उसमें ध्यान देने की बात है कि हर एक मशीन में 4 या 5 फंक्शन होते हैं। पहला होता है F1, जिससे हम सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट को चेंज कर सकते हैं। दूसरा होता है F2, इसमें आप अपना कंपनी के हिसाब से अप्रूव्ड टाइमिंग सेट कर सकते हैं, मानक सेट कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी ने बोला है 99.9 सेट करके रखना है और उससे ज़्यादा आएगा तो अलार्म आएगा, तो आप F2 के बटन से आप अलार्म की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। F3 एक्यूरेसी सेटिंग होती है, इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी तरह का चेंजेस ज़रूरत नहीं है। चौथा है F4, इसमें हम बॉडी और सरफेस, इसमें हम चॉइस कर सकते हैं। अगर हमें सरफेस का या किसी सतह का टेम्परेचर लेना है तो हम इसमें सरफेस अपडेट कर सकते हैं, और अगर किसी का शरीर का तापमान हम लेना है, चेक करना है, तो इसमें हमें बॉडी को चूज़ करके रखना पड़ेगा। किसी किसी मशीन में F5 का ऑप्शन भी आता है। F5 में हम अलार्म का आवाज़ का सेटिंग कर सकते हैं कि आपको आवाज़ चाहिए या नहीं चाहिए। जनरली जब हम चेक करते हैं और उसमें जब चेक करने के समय एक बीप की आवाज़ आती है, तो बीप की आवाज़ को ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन F5 में है। अब हम चेक करेंगे इसमें सेंटीग्रेड पे आ रहा है या फ़ारेनहाइट पे आ रहा है। अगर आपकी मशीन सेंटीग्रेड पे सेटिंग है तो उसको चेंज करने के लिए आपको ये मोड बटन थोड़ी देर दबा के रखना होगा। दबाने के बाद ये बटन और ये बटन, ये दोनों बटन से चेंजेस हो सकता है। आगे देखिए, अभी मैंने ये बटन को दबाया और ये F में आ गया। अब F में आने के बाद हम रिटर्न जाने के लिए फिर से ये मोड बटन को दबाएंगे, अब ये आ गई। अब हम चेक करेंगे टेम्परेचर, तो फ़ारेनहाइट में बता रहा। अब हम सीखेंगे F2, मानक सेट करने के लिए है ये, तो सबसे पहले हम इसको एक्टिवेट करेंगे ये बटन दबा के, फिर ये मोड वाली बटन को हम कुछ देर के लिए दबा के रखेंगे। इसमें F1 आया, फिर मैं मोड वाली बटन को और एक बार दबाऊंगा, ये F2 आ गई। F2 में अगर आपकी कंपनी ने बताया है कि 99.9 में सेट करके रखना है, तो आप इस बटन के माध्यम से और इस बटन के माध्यम से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ऊपर वाली बटन से कम कर रहा हूँ। मैंने 99.9 का सेट कर दिया है, मतलब इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर आता है तो ये अलार्म देगी, बीप देगी। मैं फिर से बैक में चले जाऊंगा यही मोड वाली बटन दबा के। F3, F4 का कोई काम नहीं है इस मशीन में, हो सकता है आप जो मशीन यूज़ कर रहे हैं उसमें हो। सो बेसिकली हम F5 में जाएंगे, जिसमें बीप साउंड को ऑन या ऑफ करना है। तो सबसे पहले हम ये बटन दबा के इसको एक्टिवेट कर लेंगे, फिर मोड बटन को कुछ देर के लिए दबा कर रखेंगे। ये F1 आ गया, मैंने F2 दबाया, F4 आया, F5 आया। F5 अलार्म बटन को ऑन या ऑफ करने का है। अगर आपको साउंड चाहिए तो ऑन में रखिए, अगर साउंड नहीं चाहिए तो ऑफ कीजिए। तो ऑन और ऑफ इसी बटन से होगा, ये और ये बटन से होगा।
देखिए ये वाली बटन मैंने दबाया तो ऑफ हो गया, ये वाली बटन मैंने दबाया तो ऑन हो गया। फिर से अगर बैक जाना है आपको, मेन सेटअप पे जाना है, तो ये आ गया। जैसे कि इस मशीन में बताया गया है कि बॉडी सरफेस के लिए आपको F3 ऑप्शन नहीं है, ये डायरेक्टली ये नीचे वाली बटन से हो जाती है। तो अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है, रूम है या सरफेस है, तो आपको बॉडी में लाना है, तो सिर्फ ये मोड वाली बटन से ही आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। एक बार दबाया फिर रूम टेम्परेचर आ गया, एक बार दबाया और सरफेस टेम्परेचर आ गया। हमें बॉडी का चेक करना है तो मैं एक बार फिर दबाऊंगा, ये बॉडी आ गया। सो हो सकता है आप जो मशीन यूज़ करते हैं इसमें थोड़े बहुत बटन का चेंजेस हो, अगर आप अच्छे से इसको देखेंगे तो आपको लगभग ऑपरेशन समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ डाउट लगता है, आपका क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस को मैं आंसर दे सकूं। अगर आपकी कंपनी में दिए गए मानक या स्टैंडर्ड से ज़्यादा टेम्परेचर आए तो आपको क्या करना चाहिए? वैसे तो हर कंपनी ने अपने हिसाब से ज़्यादा टेम्परेचर वाले, जो 99.9 से ऊपर वाले टेम्परेचर वाले लोगों को रोकने के लिए अलग अलग तरीके से आपको ब्रीफिंग दिया होगा, आपको बताया होगा कि क्या करना है। मगर इन जनरल जो भी व्यक्ति अगर 99.9 से ज़्यादा टेम्परेचर आता है, वैसे व्यक्तियों को हमें रोक देना चाहिए। और हमारे जो भी सुपीरियर हैं वहाँ, सुपरवाइजर ऑफिसर या और कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, उनको हमें तुरंत बताना चाहिए और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करना चाहिए। कुछ कंपनियां अपने अपने कार्य क्षेत्र या ऑफिस में क्वारंटाइन रूम का भी निर्माण करके रखा है। आपके कंपनी में अगर इस तरह के किसी क्वारंटाइन रूम का फैसिलिटी है, आप इसकी जानकारी ले लें और जो भी ज़्यादा टेम्परेचर का केस आया है उनको आप निर्देशित कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप उस क्वारंटाइन रूम में जाके बैठ सकते हैं। मैंने पहले बताया कि आप अगर चार चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई परेशानियां नहीं होगी आपकी ड्यूटी आवर्स में, क्योंकि ये मशीन बहुत नाजुक होती है। हम अच्छे से अगर इसका इस्तेमाल करते हैं और सही तरीका पता है तो हम टेम्परेचर चेक अच्छे से कर सकते हैं और जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं हम खुद ही इसको ठीक कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको किसी तरह का तकलीफ आ रहा है, सेटिंग चेंज करने में आपको कोई परेशानियाँ हो रही है, तो मेरा सजेशन यही है कि आप आपके सुपीरियर जो भी हैं वहाँ पर उनसे आप बात करके उनकी मदद ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें।